हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। मैं आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा जो आपके पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हों। तो इससे क्वेश्चन नंबर एक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 में खरीदी, यदि बिक्री कर 10% हो तो साइकिल का लागत मूल्य बताइए। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि राम ने जो है एक साइकिल खरीदी है 3300 में, यानी कि क्रय मूल्य क्या है साइकिल का, क्रय मूल्य है आपका 3300। इसके बाद बोल रहा है कि यदि बिक्री कर, यानी कि इस 3300 में आपका बिक्री कर भी सहित है, मतलब बिक्री कर भी है, जो बेच रहा है जो उस पर टैक्स लगता है। कोई भी सामान जब लेने जाएंगे आप, तो कभी कभी ऐसा होता है प्रिंट रेट से ज़्यादा में दिया जाता है तो उस पर कुछ टैक्स लगता है, बोलते टैक्स, तो उसको बिक्री कर। तो ये जो बिक्री कर यानी कि 3300 में खरीदा, इसमें बिक्री कर भी शामिल है। तो अगर बिक्री कर को हटा देंगे तो जो लागत मूल्य है वो कितना होगा। ठीक है, यानी कि अगर बिक्री कर अगर इसका है, बिक्री कर जो है आपका 10% दिया है। ठीक है, यानी साइकिल का जो है बिक्री कर क्या है 10% है, तो इसका लागत मूल्य बताना है। लागत मूल्य क्या है, यानी कि कर ना लगे, जो पैसा बिक्री कर ना लगे। तो सबसे पहले इसकी होल वैल्यू निकाल दीजिए, 10/100 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 1/1। देखिए बिक्री कर है यानी कि बढ़ेगा, कर जो होता है बढ़ाया जाता है, तो जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। अब देखिए यहाँ पे उल्टा देखना है आपको, जैसे बिक्री कर है लागत मूल्य पे जाना है, यानी पीछे जाना है, लागत मूल्य पीछे होता है, लागत मूल्य होता है उसके बाद तब जो बिक्री कर लगता है, यानी कि जो टोटल मूल्य होता है उस पर 10% वो लगाएगा तब आपका नया दाम बनेगा, तो बैक जाना है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, लागत मूल्य बराबर हो जाएगा लागत मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका 3300 × 10/11 से गुणा कर देंगे तो देखिए 11 3 33 यानी हो गया ये 300 और 300 में 10 का गुणा करेंगे यानी कि 3000 रुपये, यानी साइकिल का जो है लागत मूल्य होगा आपका 3000 रुपये। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, डेविड ने एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है, इसमें बिक्री कर सम्मिलित है, यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 है तो बिक्री कर किधर, यानी कि डेविड जो है एक रेडियो खरीद रहा है जो 882 रुपये में है, यानी कि रेडियो का जो क्रय मूल्य कितना है, इस 882 रुपये में कर लेकर के, यानी कि बिक्री कर भी है, और बोल रहा है कि यदि उसका लागत मूल्य, यानी कि अगर रेडियो का लागत मूल्य 840 रुपये है तो कितना प्रतिशत उसको बिक्री कर देना पड़ा। तो सबसे पहले निकाल लीजिए कि वो बिक्री कर दिया कितना, बिक्री कर कितना दिया, 882 में से 840 घटा दीजिए तो कितना निकल जाएगा आपका, 42 रुपये उसको बिक्री कर के रूप में देने पड़े हैं, 42 रुपये देने पड़े हैं। परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत जो है वो बिक्री कर के रूप में देगा, तो यहाँ से आप देखिए प्रतिशत हो जाएगा बिक्री कर, प्रतिशत हो जाएगा 42/840 × 100, तो ये आपका हो जाएगा 20, अब 20 × 100 यानी कि 5% का उसको, यानी बिक्री कर बराबर होता है, बिक्री कर प्रतिशत में अगर बिक्री कर निकालना हो तो बराबर होता है आपका बिक्री कर बटे लागत मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पे देखिए 42, ये 20 बार में, यानी कि 5% का उस पर बिक्री कर लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दस परसेंट
और 20% क्रमवार कटौतियों की एकमात्र कटौती समतुल्य होगी। ठीक है, यानी बोल रहा है कि दो अगर कटौतियां, यानी कि दो छूट दी जा रही है, 10% और 20%, 10% की और 20% की दो छूट दी जा रही है, तो क्यों अगर एक सिंगल छूट दी जाए तो कितना छूट दी जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपका, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%, ये आपका फार्मूला है। तो ये x हो गया और ये y हो गया, तो 10 × 20 और ये हो जाएगा 10 × 20/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, 30 − 200/100 कर देंगे, ये आपका दो बार में कट जाएगा, 30 में से 2 घटाएंगे तो कितना, यानी कि 28% जो होगा आपका दोनों कटौतियों के बराबर होगा। ठीक है, 28%। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल के लिए। देखिए अगला सवाल है कि किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जिसका मूल्य 40,000 है, 44,800 रुपये देने पड़े, तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल का जो क्रय मूल्य है वो है आपका 40,000, लेकिन कोई ग्राहक जो है, सॉरी, जो मोटरसाइकिल है, कोई मोटरसाइकिल का लागत मूल्य है 40,000, लेकिन खरीद रहा है उसको, कोई ग्राहक उसको खरीद रहा है 44,800 रुपये में। यानी यहाँ पे देखिए, लागत मूल्य 40,000 है लेकिन वो खरीद कितने में रहा है, 44,800 में, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, तो उसी को बिक्री कर कहा जाता है, यानी बिक्री कर के रूप में लगेंगे। तो बिक्री कर की जो दर है उसको बताना है, तो सबसे पहले बिक्री कर निकाल लीजिए। देखिए बिक्री कर, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य, यानी कि 44,800 माइनस 40,000, दोनों को घटा देंगे, ये 4,800 रुपये जो है उस पर बिक्री कर के रूप में लग रहे हैं। दर बताना है, देखिए बिक्री कर की दर, तो ये आपका हो जाएगा 4,800 × 40,000 × 100। तो देखिए यहाँ से ये 2 0 ये कट गए, फिर यहाँ से 2 0 कट गए, फिर यहाँ से भाग दे देंगे, 4 × 4 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 12% का इस पे आपको लगेगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये कम हो जाता है, तो वस्तु का सूची मूल्य है, यानी कि क्या कह रहा है कि यदि जो आपकी व्यापार कर की दर है वो 5% कम हो रही है, तो किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 250 रुपये कम हो जा रहा है, यानी कि 5% कितने के बराबर है, 250 के। अगर 5% कम हो रहा है तो 250 रुपये कम हो रहा है, यदि 1% कम होगा तो कितना कम होगा, 250/5, और यदि 100% कम किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 250 × 100/5, यानी कि आपका हो जाएगा 5×5=25, ये आपका हो जाएगा 5,000 रुपये। यानी कि अगर 100% कम किया जाएगा तो 5,000 रुपये जो है कम हो गए, यानी कि ये 5,000 हो गया इसका आंसर। 100% का मतलब पूरा पूरा कितना हुआ, 5,000 हुआ ना, पूरा 5,000, यानी कि जो उसका सूची मूल्य है वो कितना है आपका, 5,000 रुपया सूची मूल्य है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, मीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 में क्रय की, तथा पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 में क्रय की, कमीज व पतलून का सूची मूल्य बताना है। यानी कि देखिए सबसे पहले देख लीजिए कमीज
कमीज की जो कर है 12% है, ठीक है, और कितने में खरीदी है जो क्रैम की है उसको, क्रैम मूल्य 896 रुपया, 896 में खरीदी है, ठीक है, 12% कर सही जो है 896 रुपये में वो खरीदी है, तो इसका सूची मूल्य क्या होगा, तो सबसे पहले इसका निकाल दो होल वैल्यू, 12/100 कर देंगे तो 6 × 12 50 × 100 यानी कि हो जाएगा 6/50, तो चूंकि कर जो है बढ़ता है इसलिए ऊपर ऐसे कर दें यानी 56/50। अब सूची मूल्य बताना है यानी कि क्रय से पीछे जाना है, जितने में खरीदी है उससे पीछे जाना है, तब उसका अंकित मूल्य यानी कि सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य हो गया, तो यह आपका हो जाएगा सूची मूल्य 896 × 50/56। अब 56 से जो है इसमें भाग दे देंगे तो कितने बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा और फिर आपका जाएगा 6 बार में, यानी कि 16 × 16 = 80 यानी कि 800 रुपये, यानी कमीज का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 800 रुपये, ठीक है। फिर पतलून पे आ जाइए, देखिए पतलून की जो कर है कितने परसेंट की लग रही है, पतलून पे जो है वो 10% व्यापार कर लग रही है, ठीक है, जो पतलून है उस पे, जो पतलून है उस पे 10% की व्यापार कर लग रही है, और इसके बाद क्रय मूल्य कितना है पतलून का, देखिए क्रय मूल्य दे दिया 1210, क्रय मूल्य दे दिया 1210, इसका होल वैल्यू निकाल दिए सीधे सीधे, यहाँ पे देखिए 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 1 यानी कि 11/10, और यही काम यहाँ पे कर देंगे, लागत मूल्य यानी कि सूची मूल्य बराबर होगा, सूची मूल्य बराबर हो जाएगा 1210 × 10/11 यहाँ से 11 यानी कि ये आपका हो जाएगा 1100 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कमीज का जो सूची मूल्य 800 और पतलून का सूची मूल्य हो जाएगा 1100, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या है, मोहन ने 20 की ग्रह चीनी 15 प्रति की ग्रह की दर से तथा 15 की ग्रह चीनी 12 प्रति की ग्रह की दर से खरीदी, यदि कुल चीनी को 14 प्रति की ग्रह की दर से बेचता है तो प्रतिशत लाभ बताना, ठीक है, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि मोहन जो है दो तरह की चीनी लेता है, एक बार लेता है वो 15 रुपया प्रति की ग्रह की दर से 20 की ग्रह चीनी, यानी कि 20 की ग्रह चीनी का मूल्य, तो वहां पे ले रहा है वो 15 रुपये के हिसाब से, यानी कि 20 × 15 कितना हो जाएगा 300, 300 रुपये में 20 की ग्रह खरीदा है, और फिर बोला है कि 12 की ग्रह चीनी जो है 14 प्रति की ग्रह की दर से, यानी कि 12 की ग्रह चीनी का मूल्य हो जाएगा, तो 12 × 14 = 28 और 14 × 14 = 16 यानी 168 रुपया। अब देखिए कुल चीनी कितना खरीद रहा है, वो 32 किलो चीनी खरीद रहा है और कितना लग रहा है 468 रुपये में, यानी कि 32 की ग्रह चीनी जो है वो 468 रुपये में खरीदेगा। अब 32 की ग्रह चीनी को यदि वो 14 रुपया प्रति की ग्रह की दर से बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य ये तो आपका क्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, अभी विक्रय मूल्य हो जाएगा 32 × 14 तो 14 × 28 14 × 42 यानी कि 400, ठीक है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई हमको, देखिए दिया है मोहन ने 20 की ग्रह चीनी 15 प्रति की ग्रह की दर से तथा 15 की ग्रह चीनी जो है 12 प्रति की ग्रह, यानी कि ये 15 की ग्रह चीनी है, 15 की ग्रह चीनी जो है 12 प्रति की ग्रह की दर से, यानी कि 1 किलोग्राम का 12 रुपये की दर से खरीदा है, तो 15 की ग्रह का पूरा मूल्य यहाँ पे निकाल लीजिए, तो 12 × 24 और ये हो जाएगा, एक मिनट,
12 × 5 = 60, 180 रुपये, और ये आपका हो जाएगा 35, यानी कि 35 की ग्रह चीनी का मूल्य हो जाएगा 480 रुपये, 35 की ग्रह चीनी का मूल्य। अब इस 35 की ग्रह चीनी को जो है वो बेच रहा है 14 के हिसाब से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका मूल्य हो जाएगा, तो 14 × 5 = 70 और 14 × 3 = 42, यानी कि 400, ठीक है ना। क्या दिया है कि मोहन ने 20 की ग्रह चीनी जो है 15 प्रति की ग्रह की दर से खरीदी और 15 की ग्रह चीनी 12 प्रति की ग्रह की दर से खरीदी, तो 20 की ग्रह चीनी का मूल्य हो गया 300, तो यानी कि 300 रुपये में 20 की ग्रह चीनी और 180 रुपये में 15 की ग्रह चीनी, और दोनों को मिला दिया कितना हो गया 35 रुपये, और 480 रुपये में 35 की ग्रह चीनी खरीदी, ये 35 की ग्रह हो गया ना, तो 35 की ग्रह चीनी कितने में खरीदी, 480 में। अब उस चीनी को यदि वो 14 रुपये प्रति की ग्रह की दर से बेचता है, तो देखिए 35 की ग्रह किलो चीनी को 14 प्रति की ग्रह की दर से बेचेगा, तो 35 × 14 यानी कि 490 रुपये में बेचेगा, तो कितने का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देखिए लाभ हो गया 10 का ना, यहाँ पे देखिए चार लाभ हो जाएगा 490 − 480 यानी कि 10 रुपये का लाभ हो जाएगा, और प्रतिशत लाभ बताना है तो 10 × 480 कर देंगे तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 100/48%, ठीक है, तो इसको छोटा कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 25 × 100 और 12 × 48, यानी कि 25/12, और इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/12%, ठीक है, ये उसका जो होगा लाभ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किग्रा बाट के स्थान पे 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, लाभ का प्रतिशत बताइए, ठीक है, यानी कि कोई विक्रेता है वो ये दावा करता है कि वो जितने में खरीदा है उतने में ही बेचेगा, यानी कि जितना क्रय मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य करके बेचेगा, लेकिन वो चालाकी क्या करता है कि जो बाट है उसका वो 1 किलो का न होकर के 900 ग्राम का ही है, यानी कि बाट जो है 1 किग्रा, 1 किग्रा का मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बाट के स्थान पे वो कितना रख रहा है, 900 ग्राम का बाट रख रहा है, तो कितने का लाभ उसको मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे उसको मिल रहा है 100 ग्राम का लाभ मिल रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 100 ग्राम का लाभ मिल रहा है उसको, तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो लाभ यहाँ पे देखिए वस्तु का केस है, अगर हमारी पिछली वीडियो ना देखे हो तो आप सबसे पहले लाभ और हानि की पहली वीडियो देखें जाकर देखें, वहाँ पे बेस से आपको बताया गया कि वस्तु और अमाउंट का केस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे ये वस्तु का केस है, तो वस्तु के केस में हमेशा SP देखा जाता है, लाभ और हानि SP पे देखते हैं, और अमाउंट के केस में लाभ और हानि जो होता है वो CP पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए SP क्या है, यानी कितने में बेच रहा है वो 900, तो 100/ यहाँ पे कर देंगे 900 × 100, तो देखिए ये आपका 2 जीरो कट गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 100/9, यानी कि 9 × 9 = 9, यानी कि 11 × 1/9%, यानी कि इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने ₹1 में 5 की दर से संतरे खरीदे, 25% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने संतरे की दर से बेचना होगा, यानी क्या बोला, एक फल विक्रेता जो है वो ₹1 में, यानी कि ₹1 में कितना संतरा खरीद रहा है, 5 संतरा, ठीक है, यानी कि 5 संतरों का मूल्य ₹1 है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी एक संतरे को वो 1/5 रुपये में खरीद रहा है, ये आपका हो गया CP, यानी एक संतरे का CP हो गया 1/5 रुपये। अब बोला कि यदि उसको 25% लाभ कमाना है, यानी कि लाभ कितना है, लाभ है उसको 25%, यानी कि 25/100, तो 25 × 100 यानी 1/4, तो यहाँ पे लाभ के लिए जोड़ देंगे, यानी कि 5/, यानी होल वैल्यू हो गई कितनी, 5/4। अब बोला यदि 25% लाभ कमाना है तो ₹1 में कितने संतरे उसको बेचने होंगे, यानी कि सबसे पहले देखिए एक संतरे का SP निकाल दीजिए, CP निकाल दीजिए, देखिए CP कितना 1/5 है,
तो एसपी क्या हो जाएगा, 1/5 गुणे 5/4, 5 से 5, यानी कि एक संतरे का जो एसपी है वो हो गया 1/4 रुपए, यानी कि चार संतरे का एसपी 1 रुपए, यानी 1 रुपए में उसको चार संतरे की दर से बेचना होगा बस। ठीक है, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।